ही निधि बेगुनाह है, इन सारी चीजों में उसका कोई हाथ नहीं है। वैसे ये हो नहीं सकता, वो वाहियात औरत बड़ी शातिर है। है तो वो मम्मी जी, पर अब पता नहीं सच क्या है। रमन, आपकी बात हुई अभिषेक से? हाँ, लेकिन निधि के पास पुख्ता सबूत है तो इसलिए वो गिल्टी प्रूव नहीं हो सकती। कोई और तरीका नहीं है क्योंकि पुलिस के पास और कोई लीड भी नहीं। पापा, मुझे रूही और आलिया के लिए बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन ना ले, गुनाहगार आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। अरे क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पीछे सबूत छोड़ के ही जाता है। लेकिन पापा, ये लो एक और स्यापा। क्या हो क्या? पीयू के स्कूल में मम्मी का ग्रुप याद है? हाँ हाँ। उनका मैसेज है, सारी मम्मीज ने मिलकर कुछ फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए, नेचर ट्रिप टाइप, तो चाहते हैं कि पीयू के साथ मैं भी उन्हें ज्वाइन करूं। तो ये अच्छी बात हुई ना। अच्छा, आपको टाइम स्पेंड करने मिलेगा उसके साथ, आप जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? इशिमा, इशिमा, मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बताऊं? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब साथ मिलकर इस ट्रिप पे जाएं। नहीं रूही, मुझे लगता है सिर्फ पापा को ही जाना चाहिए, और वैसे भी ऑफिस का बहुत सारा काम है। ऐसा कौन सा बड़ा काम है, वो तो होता रहेगा ना, लेकिन एटलीस्ट सब लोग साथ में उसके टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अब तो मिस्टर सिंघाल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्लीज प्लीज, कोई ड्रामे नहीं, प्लीज भाई चलो ना, मान जाओ ना। आइडिया तो बहुत चंगा है, सारे मिलके चलते, पीहू से मिल भी लेंगे, उसके साथ टाइम भी बिता लेंगे। वाओ, मैं भी चलूंगी रोहित दीदी। हम सब साथ में जाएंगे, ठीक है? और आ जाओ, हमें ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन कर लो। आजा आजा दीदी, आलिया को भी बुला लेना तुम, ठीक है? आलिया को? अरे भाई, आलिया को बुलाओ ना, बहुत मजा आएगा, जल्दी जाओ, उसे भी कॉल कर लो। ठीक है, मैं उसको फोन कर देता हूँ। वाओ, फैमिली पिकनिक, मैं डेफिनेटली आऊंगी। दैट वुड बी ग्रेट आलिया, थैंक यू सो मच। वेल, आदि आना कहाँ पे और कभी आना है? तुमने आलिया को फोन क्यों किया? वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अब प्लीज। क्वाइट। पहले तुमने उस पर अटैक किया और अब दोस्त बनने का नाटक कर रहे हो। मनी अंकल, आप मेरा विश्वास कीजिए, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। इवन पुलिस ने भी मेरे को रिलीज कर दिया है। आप आई डोंट केयर, मेरे लिए कल्प्रिट तुम ही हो। आलिया को फोन करना बंद करो। अब मेरे फोन वापस करो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अब हो गया क्या है? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं बड़ी हो गई, मुझे पता है मुझे किससे बात करनी किससे बात नहीं करनी है, और मुझे आदि से बात करनी है और मैं उससे मिलने भी जाऊंगी। तुम उससे नहीं मिलोगी, इज दैट क्लियर? हां, मैं उससे बात करूंगी और मैं उससे मिलूंगी भी, ये मेरा नसीब। सॉरी। मनी अंकल को अभी भी यही लगता है कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, मैंने ही आलिया पे अटैक किया। आदि, मणि को थोड़ा टाइम दो, इसीलिए ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कल्प्रिट जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मणि, क्या पूरी दुनिया को भरोसा दिलाना है कि तुमने कुछ नहीं किया? बट थोड़ा पेशेंस रखो। सिमी आंटी के लिए सही है, और अनन्या भी रेड रोज़ भेजने वाली होगी, और ये नोट भी परफेक्टली जाएगा। अयो विश्वा, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? अरे देखता है तो देखने दो, अपनी बीवी के बालों में गजरा लगा रहा हूँ। वैसे भी वी आर स्टिल यंग। हाँ वो तो है। विश्वा, हमारी शादी को कितने साल हो गए, फिर भी तुम मेरी कितनी केयर करते हो, मुझे मुझे एकदम स्पेशल फील करता है। मधु, तुम भी तो मुझे कितना स्पेशल फील करवाती हो, तुम मेरी जिंदगी में हो ना, बस इसी से मैं स्पेशल हो जाता हूँ। हो रहा हूँ। विश्वा, पर नाबा हिर गया, हमारी एंगेजमेंट के बाद शादी तक तुम मुझे ऑर्किड का बुके बेचते थे एवरी डे। यस यस यस, देखा मेरी चॉइस तब भी कितनी अच्छी थी। मतलब क्या है कि रोज़ेस तो हर कोई बेचता है, लेकिन मैं अपनी मधु के लिए कुछ खास करना चाहता था, तो दैट्स व्हाई ऑर्किड। विश्वा, मैंने आज तक बोला नहीं, पर आज बोलती हूँ। थैंक यू। कम ऑन मधु, कम ऑन। ओह नो, मुझे अनन्या को रोकना पड़ेगा।
उसे बताना होगा कि सिम्या आंटी को रोजेस ना दे, ऑर्किड्स दे।